मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं स्माइल से प्रभा स्माइल क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 9 की भूगोल की पुस्तक का प्रथम पाठ भारत आकार और स्थिति के बारे में बातचीत करेंगे या इस पाठ को समझेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम भारत की स्थिति और आकार को ग्लोब के माध्यम से समझेंगे। यहाँ जो आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये एक ग्लोब का चित्र है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल होता है जिसके द्वारा आप पृथ्वी के किसी भी भूभाग में स्थित किसी देश, महाद्वीप, महासागर की स्थिति, आकृति एवं दिशा का सटीक अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इस ग्लोब के अंदर आपको कुछ खड़ी और कुछ आड़ी यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेखाएं दिखाई दे रही हैं। इन रेखाओं को, जो खड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं देशांतर रेखाएँ, और जो आड़ी रेखाएँ होती हैं उन्हें हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं और इन्हीं रेखाओं के माध्यम से या इन्हीं की सहायता से हम पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु की स्थिति का पता लगा सकते हैं। मैंने आपको समझाने की दृष्टि से इन दोनों रेखाओं को दो अलग अलग चित्रों में अलग अलग बना करके दिखाया है। यहाँ देखिए, जो आपको ये जो आड़ी रेखाएँ दिखाई दे रही हैं इन्हें हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएँ, यानी कि पूर्व से लेकर के पश्चिम तक मिलने वाली जो रेखा होती है उन्हें हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। इस प्रकार 0 डिग्री पूर्व से लेकर के 0 डिग्री पश्चिम तक मिलने वाली रेखा को हम विषुवत रेखा या आधार रेखा मानते हैं। इसके ऊपर जैसे जैसे हम चलेंगे, ये यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री होते होते 90 डिग्री तक यहाँ पहुँच जाएंगे और इन्हें हम बोलेंगे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहाँ जो ऊपर की तरफ हम पहुँचते हैं तो हमें इसको प्लस में दिखाते हैं। इसी तरीके से जब हम 0 डिग्री से नीचे की तरफ आते हैं वो भी हम 90 डिग्री तक पहुँचते हैं और उन्हें हम दिखाते हैं -90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस प्रकार जो हमारे पास अक्षांश रेखाएं होती हैं वो 180 रेखाएं प्राप्त होती हैं। अब देखिए, इसके बाद जब हम इन दूसरी लाइंस की बात करते हैं ग्लोब में, जो आपको खड़ी लाइंस दिखाई दे रही हैं, वर्टिकल लाइंस, इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं में आप देखिए, 0 डिग्री उत्तर से लेकर के 0 डिग्री दक्षिण तक मिलने वाली ये जो रेखा है, जो मैंने यहाँ डार्क कलर से शो की हुई है, इसे हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। और ग्रीनविच रेखा के इस तरफ वाली जो हम रेखाएँ हैं इनको हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर रेखाएं, और 0 डिग्री के इस तरफ वाली जो रेखाएं हैं इन्हें हम बोलते हैं पश्चिमी देशांतर रेखा। यानी कि जब हम 0 डिग्री से पूर्व की तरफ चलेंगे तो हम इनको बोलेंगे पूर्वी देशांतर रेखाएं, और पश्चिम की तरफ चलेंगे तो हम इनको बोलेंगे पश्चिमी देशांतर रेखाएं। और ये रेखाएँ 360 हम बना सकते हैं। जैसे आप एक बॉल लीजिए, बॉल के ऊपर से लेके नीचे तक इस तरीके से एक लाइन खींचिए, फिर इस तरीके से खींचिए, तो आप उसमें 360 लाइंस खींच सकते हैं। जबकि आप ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये आप एक बॉल लीजिए, उसमें आप बीच से इस तरीके से खींचिए, फिर उसके ऊपर आइए, फिर उसके ऊपर आइए, अक्षांश रेखाएँ आप सिर्फ एक बॉल के अंदर 180 ही दिखा सकते हैं। इस प्रकार यहाँ ये जो देशांतर और अक्षांश रेखाएं हैं हमने इस ग्लोब में देखी या समझी। अब इन्हीं की स्थिति के आधार पर आप किसी देश की, किसी महाद्वीप की, किसी महासागर की स्थिति ग्लोब में पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, यहाँ पर मैं एक बिंदु बनाती हूँ। अब आप देखिए, इस बिंदु के यहाँ आप अक्षांश रेखा देखिए, 30 डिग्री आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम इसके लिए बोलेंगे 30 डिग्री अक्षांश। और यहाँ ये देखिए, इसकी जो देशांतर रेखा है ये भी 30 डिग्री पश्चिम की तरफ है, तो हम क्या बोलेंगे, 30 डिग्री पश्चिम, पश्चिमी देशांतर। और ये देखिए, ये यहाँ हमारी विषुवत रेखा है, उससे ऊपर ये 30 डिग्री है, तो हम इसे बोलेंगे 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
तो इस बिंदु की जो हमने स्थिति पता की वो हुई 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच स्थित है ये बिंदु। इस प्रकार हम इस ग्लोब के द्वारा किसी भी देश की किसी भी बिंदु की पृथ्वी पर स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि हमें यहाँ भारत की स्थिति इस ग्लोब पर पता करनी है, तो यहाँ देखिए कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मतलब कि विषुवत रेखा से ऊपर के हिस्से में। उत्तरी गोलार्ध जो हमारा होता है वो विषुवत रेखा से ऊपर का हिस्सा कहलाता है, इस लाइन से ऊपर, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। और इसका जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, यानी कि यहाँ से ये है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक, यहाँ से लेकर के यहाँ की ये जो स्थिति है वो हमने बोली, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से यहाँ से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसकी स्थिति। ये स्थिति ये है और ये स्थिति अक्षांश की स्थिति है। इस प्रकार हमारा जो देश है वो इस के स्थिति में है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ से ये देखिए आप, ये 30 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, तो जो 23 डिग्री 30 मिनट यहाँ से थोड़ा नीचे होगा, तो कर्क रेखा यहाँ से इस तरीके से निकलेगी और इस हमारे देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटेगी। इस प्रकार मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, यानी कि दक्षिण ये और पूर्व ये, इसके अंदर जो हिस्सा है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण पश्चिम यानी कि दक्षिण ये और पश्चिम ये, इसमें जो हिस्सा है वो है लक्षद्वीप समूह और अरब सागर। इस प्रकार भारत की स्थिति हमारे जो विश्व के ग्लोब पर है वो इस प्रकार है। तो बच्चों, इस वीडियो से आपने ग्लोब को जाना, उसके अंदर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जाना, और भारत की स्थिति को अभी मोटे तौर पर भी आप समझ पाए। अगले वीडियो में हम भारत की स्थिति को बहुत अच्छे से और सिर्फ इतने ही भाग में करके देखेंगे जिससे आपको और स्पष्ट तरीके से समझ आए। तब तक आप ग्लोब के बारे में इन जानकारियों को पढ़ें और समझें। थैंक यू।